छोटे के थोड़ी बुखार हो रखे हैं, छोटे की तबीयत खराब है। और इतने में हमें कॉल आ गई सोनिया की, छोटी भी उधर नाइट सूट पे है, मेरे पति भी बेचारे वैसे आए और यशिका तो चप्पल पे आ गई। सेम टॉपिक, टू मिनट्स, ओके। कल रात को मैंने कहा पढ़ ले यार थोड़ा बहुत, तो बोली इंग्लिश में भी क्या पढ़ना। ये बंदी कहाँ जा रही है अभी बताएंगे हम। अरे बच्चे भाई, इस सर को लग रहा है ये भी उतरेगा। और रो क्यों रहा है? अभी ट्रेन स्टेशन पे उतारा है सोनिया को हमने, अब घर चलते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगा कहाँ गई हो। क्यों रो रहा है? अबे दोनों बच्चे मेरे हवाले हैं, चलो चलते हैं घर की तरफ पहले। ओए देखो योर बाबू रो रहा है, यू मिसिंग मम्मा। शुरी अभी तो हम निकले भी नहीं है। भाई ये बहुत इमोशनल हो रखा है अभी, क्योंकि मम्मी गई है ना। और ये घर पे पहुंच चुके हैं शौर्य जी। शौर्य के थोड़े बुखार हो रखे हैं, शौर्य की तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा ज्यादा इमोशनल। ओ शौर्य गर्म हो गया, तो फिर दोबारा दवाई तो दे दी थी ना यशिका हमने, उतरा नहीं इसका बुखार नहीं उतरा इसका। और ये घर पे पहुंच चुके हैं, तो भाई सोनिया अभी गई है, सोनिया को 3-4 घंटे लगेंगे वापस आने में, तो इतने आज शौर्य की थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा उसका बुखार और रखा है। हाँ सुलाता हूँ मैं, अभी इसको सुलाता हूँ मैं, और 3-4 घंटे के बाद जब वो आ जाएगी तब तक शायद इसकी नींद पूरी हो जाएगी, होपफुली सो जाए 3-4 घंटे, इसीलिए सोनिया ने इस ये टाइम सेलेक्ट किया है। ओए कहाँ क्या करने लगी तो आती, ये कुछ खाना बना रही है अपने लिए, और ये यहाँ पे कहाँ जाना है बेटे, इसको बाहर ही घूमना है। तो अभी शौर्य को मैं सुलाने की तैयारी कर रहा था, और यशिका ने जो बनाया था वो भी हम खा रहे थे, और इतने में हमें कॉल आ गई सोनिया की कि सोनिया की जो ट्रेन थी, पहले जो ट्रेन थी वो वाली तो क्या हो गई, डिलेड हो गई। डिलेड क्यों, यहाँ पे बारिश वगैरह काफी हुई तो पानी वानी भर गया पटरी में ऐसा कुछ। और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसको ऑन टाइम दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उसका टाइम पास में आया तो उसका भी दिखा दिया कि ये भी डिलेड हो गई है, और कई तो कैंसिल हो गई है ट्रेन। तो अब अभी सोनिया ने फोन किया कि भाई मेरी कैंसिल हो गई है, अब मेरे को जाना है तो मैं कैसे जाऊं। तो मैंने कहा चलो हम आते हैं फिर, अब हम जाएंगे, हम सारे के सारे ऐसे फैमिली हम जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, बर्मिंघम हमें जाना है तो बर्मिंघम चलते हैं, लेके चलते हैं आप लोगों को भी, और देखते हैं क्या दिखा सकते हैं। अभी तो जल्दी से जल्दी हमें बस पहुंचना है, उसका फोन आया है अभी, यशिका कुछ अपना फूड वूड पैक कर रही है तो वो पैक कर लेती है, फिर हम चलते हैं। अब जल्दी से बस हमें निकलना है क्योंकि सोनिया वेट कर रही है, फिर सोनिया की अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी गारंटीड अगर हम थोड़ा सा भी लेट पहुंचे, क्योंकि अब 40-45 मिनट लगते हैं गाड़ी से जाने से, और 1 घंटे का बफर टाइम है मतलब टोटल, कि अगर हम 15 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो अभी हुआ क्या हमारे साथ कि ये लोग मुझे ड्रॉप करके गए ट्रेन स्टेशन पे, उसके बाद मेरी ट्रेन थी 11:32 की पहुंची तो वो कैंसिल। मेरे को लगा चलो ठीक है, फिर मैंने टाइम वाइम देखा कि मैं अपने एग्जाम के लिए ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगी या नहीं। तो नेक्स्ट ट्रेन थी 12:03 की, तो तब तो दिखा रहा था कि ऑन टाइम है। मैं 15 मिनट वेट किया कि अच्छा चलो है, अभी आधे घंटे बाद की थी वैसे वो, 15 मिनट वेट किया, उसके बाद स्टेटस पे आ गया कैंसल्ड। फिर मैंने राजीव को फोन किया कि आ जाओ, बटा बैग गई आज। तो अभी फिर मुझे पिक करने अब वापस आए हैं, यशिका अभी भी अपने नाइट सूट में है, शोरी भी उधर नाइट सूट पे है, मेरे पति भी बेचारे वैसे आए और यशिका तो चप्पल में आई है। नहाने दूसरी तेरी, मैं नहा लेती हूँ अब, मैं नहाऊंगी कब, मैंने यशिका नहाने के चक्कर में है, मम्मी का टेस्ट ज्यादा छूट, क्योंकि अब हमें ट्रेन वाली जर्नी गाड़ी से कवर करनी है और फास्ट। तो अभी हम वही ट्रेन में मुझे लगते हैं 35 मिनट्स, और अभी गाड़ी से हमें लगेंगे तकरीबन 1 आवर, और जिसमें से एक आधा घंटा तो वो वाला भी चला गया जो ट्रेन की मैंने वेट की थी, तो इसलिए थोड़ा रश में है कि हम डॉट डॉट टाइम पे पहुंचेंगे अपने एग्जाम के लिए। अच्छा एग्जाम किस चीज का है, तो मेरा किस चीज का एग्जाम है आज यार, फालतू का एग्जाम है मतलब जो है ना ये जबरदस्ती का ले रहे हैं इस बंदी के, 8.5 बैंड है आइल्स में, ठीक है, और जब ILR जब ली थी ILR के टाइम पे हमने दिखाया था वो, उस टाइम पे उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो अब इंग्लिश देख रहे हैं इसकी, इंग्लिश स्पीकिंग इसकी अच्छी है नहीं, मैंने कहा ये जॉब कर रही है भाई, नहीं है समझ नहीं। मेरा मैनेजर भी कहता इज देयर समथिंग आई कैन डू, नो यू कांट डू एनीथिंग, मैंने कहा इंग्लिश में जॉब कर रही है भाई, इंग्लिश में सब कुछ कर रही है, मैंने कहा अब तो अब वो टेस्ट करना चाहते हैं वो, अब अपना एग्जाम देने जा रही हूँ, पासपोर्ट अप्लाई किया B1 एग्जाम GESC 5 ग्रेड का, स्पीकिंग एंड लिसनिंग का 10 मिनट का एग्जाम है, तो जाना है टिल डॉक्टर नेम इंग्लिश, और बस वो 10 मिनट की कन्वर्सेशन है उनके साथ। और कल ही शाम को हमने डंक की मूवी देखी तो उस मूवी में जिस तरह इंग्लिश का भी कार्य है ना, मतलब मेरा वैसा ही कर रहा है कि मैं भी वैसे ही बोल के आऊँ। और क्या सेम टॉपिक, टू मिनट्स, ओके, व्हाई डू यू वांट टू आस्क मी अबाउट माय हॉबीज,
Okay. The change, the rule has to be changed. This exam pattern needs to change. I know all my nouns, pronouns, adjectives. Verbs. नहीं मजाक एक तरफ, तो अपना एग्जाम के लिए जा रही हूँ मैं और काफी टाइम बाद एग्जाम दे रही हूँ. कब दिया था इसका, कितने साल हो गए, उसके बाद आज देने जा रही हूँ. बीच में अपने अप्रेंटिसशिप के एग्जाम दिए थे, वैसे ना देते रहने चाहिए. हार्ट बीट ना थोड़ी ऐसे थोड़ी सी फास्ट करते रहने चाहिए अपनी, चाहे कितना ही आपको अच्छे से आता हो सब कुछ. कीप लर्निंग गाइस, मतलब अगर आपने आपको वेल इक्विप्ड रखना है स्किल्स से रिलेटेड कह सकते हो या मार्केट के अंदर, तो कीप लर्निंग, कीप गिविंग एग्जाम्स, कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. मैं एक और चीज की भी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे 6 months के बाद, जब मैं वो क्लियर कर चुकी होंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पूरा अपना. तो ये क्या हो रहा है ऊपर? Stop financing Gaza genocide. Protest वगैरह कुछ चल रहा है भाई? Palestine का वो चल रहा है. ये टनल है बिल्कुल सिटी सेंटर के बिल्कुल पास में पहुंच गए हम बर्मिंघम में. अगर कोई बर्मिंघम का नहीं पता यूके के बारे में, तो बर्मिंघम एक बहुत बड़ी सिटी है यूके में. लंदन जैसे बहुत बड़ी सिटी है, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये काफी बड़ी सिटीज हैं. और बर्मिंघम एक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एशियन पॉपुलेटेड सिटी है, जहाँ पे काफ़ी सारे एशियंस हैं. एशियंस में कह सकते हो आप पाकिस्तान, इंडिया, बाकी और कंट्रीज से काफ़ी हैं. और ये सोनिया को अभी उतारा है, सोनिया वो जा रही है भाग भाग के, वो आगे इनके आगे चल रही है. वो देख लो जैसे सोनिया उतरी और वैसे ये शोरे भी रोने लग गया. अरे अभी पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी को, चलो यहीं कहीं है सिटी सेंटर के पास में आगे बिल्कुल. तो गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और ये शिका देख लो चप्पल पहन के आई है. हाँ तो वही ना, तो मुझे लगा कि अब सोनिया का जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक हम घूम भी लेते हैं, है ना. तो मार्केट में जा रहे हैं उस तरफ घूमने के लिए, आप लोगों को दिखाएंगे. शोर है हमारा, सो नहीं रहा है, सोने का टाइम था लेकिन सो नहीं रहा है. और ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे ट्रैम वाले एरिया में. इस रास्ते पे ट्रैम चलती है, यहाँ पे ट्रेन नहीं है, ये ट्रैम का ट्रैक है. और इस तरफ ये क्या बिल्डिंग है जिसका पता है आपको, यहाँ पे वो लगता है जर्मन मार्केट क्रिसमस टाइम पे. और आगे ये पता नहीं है, ये म्यूजियम है शायद, राइट साइड में जो है ना ये म्यूजियम है. इस तरफ राइट साइड में जो रहते हैं तो सिटी सेंटर आ जाता है और इनका ट्रेन स्टेशन आता है बुलरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है. ये म्यूजियम है राइट साइड में जो है, यहाँ पे मम्मी है, इस बिल्डिंग में है क्या मम्मी? तो ये यहाँ पे वाटर फाउंटेन है, जैसे उसको यशिका को दिखा तो भाग के गई मैं, बोली मैं जाके देख के आती हूँ. और ये ऊँचा ऊँचा के देख रहा है दीदी कहाँ गई, अरे आ रही आ रही है. अच्छी जगह है वैसे बैठने की, यहाँ पे बीच में आके अपने आराम से. ये म्यूजियम है, इसके साथ में बैठे हो. बिल्डिंगें देखना कितनी पुरानी और मेंटेन करके रखी हैं. और इन दोनों के बच्चों के होते तो ओए रुक गई वो लड़का आराम से रिलैक्स करके बैठा हुआ है. वहाँ पे जो सामने वो बिल्डिंग है वो वाली, उस वाली बिल्डिंग में हमें अभी ये क्या कर रहा था, अपने पैर से इसको पुश करके पीछे की तरफ गिर जाता है, बच गया, हमने देख लिया. हाँ तो सोनिया का टेस्ट हो चुका है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, तो सोनिया अभी आएगी यहाँ पे, इतने हम बैठे हुए यहाँ पे. कैसा ऋषिका, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? जनरली तो ये इसका तैयार व्यार होकर आती है और आज नाइट ड्रेस में आई है, सही लग रहा है? और ये अपना एग्जाम देके आ चुकी है, स्ट्रेस एग्जाम वाली खत्म हो गई है. अब ऐसी कोई स्ट्रेस थी भी नहीं. मैंने कल रात को मैंने कहा पढ़ ले यार थोड़ा बहुत, तो बोली इंग्लिश में भी क्या पढ़ना. मैंने कहा अच्छा ओके. मैं नहीं ये कह रही थी मेरे को ग्रेक्स खाना है, मैंने कहा पैसे पड़े इसमें सिक्के विक्के, मैंने कहा उठा और मैंने खाया. राइस एक्सप्रेस, चावलों की दुकान खुली है भाई, सिर्फ चावल चावल बना के बेचते हैं, चिकन वगैरह के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ. T4. तो वापस आ चुके थे हम बर्मिंघम से और रास्ते में ये सब सोते हुए आए गाड़ी में, नहीं था सिर्फ इनके जो म्यूजिक भी हमने वो चला रखा था स्लीपिंग म्यूजिक शोरे के लिए. मुश्किल से सोया वो, सबसे लास्ट शोरे ही सोया, सबसे पहले दोनों माँ बेटी सो गए थे और उसके बाद मैंने सोने की ट्राई करी शोरे के साथ, लेकिन शोरे उठ गया और ना मेरे को सो दिया.
अब नहा धो के हम सब रेडी हो चुके हैं, उधर वो रेडी हो गए और शाम को एक बार फिर से नहा के रेडी हो चुकी है यहाँ यशिका और यहाँ पे शौर्य और शौर्य की मम्मी भी। सुबह भी नहा लिए थे लेकिन आज दो बार नहा लिए क्योंकि अब शाम को पूजा के लिए जा रहे हैं ना। शाम को नए वाले घर की थोड़ी सी पूजा करके फिर मौसम देखना आज कितना सही है शिका, आज का मौसम तो बहुत सही था है ना। आज तो बारिश कितनी हो रही थी, कल रात को कितनी बारिश हुई तेरे को पता लगा? जो आसपास का एरिया है ना बाढ़ आ गई वहाँ पे। बाढ़ पता है क्या होती है? वो कह रहा है आसपास में पूरा फ्लडेड हो रखा है। मैंने कहा बाढ़ क्या होती है तेरे को पता है? फ्लड क्या होता है? फ्लड को हाँ तो वही हाँ वो उसी को हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। हाँ तो ये सही कह रही है ऋषिका, बाढ़ आई थी मतलब आसपास का जो हमारा एरिया है ना जैसे कोवेंट्री एक सिटी है उसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया है, बाढ़ आई थी। मेरा भाई जा रहता है उसके सामने वो एक रिवर सी है छोटी वो बह रही थी, कह रहा वो ओवरफ्लो होने में लगी हुई थी। तो काफी तेज बारिश आई थी कल रात को, हमें तो पता लगा क्योंकि मैंने अपने गैरेज में देखा वहाँ पे थोड़ी सी है ना एक कॉर्नर में हल्का सा पानी आता है, तो मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे हल्के से ज्यादा पानी आया हुआ था, तो मैं समझ गया बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई थी। क्या मौसम हो रखा है, इतना सुंदर। निशिका एक गाना गाएगी इस मौसम के लिए। वो बंदे भाग के गए हैं। गाड़ी कितनी बड़ी है ये गाड़ी ले रखी है भाई, जिस बंदे का ओनर कौन है वो अभी दिखाते हैं हम। अभिजीत दोरो के यहीं पे बैठा हुआ है। अंग्रेजी के पेड़ पेपर पड़े बहुत बढ़िया जो लेके आई है सारा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बताओ बढ़िया बढ़िया। कबीर वो बलून के पीछे खेल ले इसे। चलो 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 चलो, ये सारी लड़कियां सज धज के तैयार हैं पूजा के लिए। हेलो जी शौरी, अरे नहीं वहां चल रहे हैं, तेरे को भी ले चलता हूँ। आ जा घुमा के लाएंगे पापा, वहां घुमा के लाएंगे। खिल गया ना है ना एकदम से। कैसा है ना? खिल गया। हम काम होने के बाद अप्रूवल ले रहे हैं लड़कियों से कि ठीक हो गया क्या। ओहो नए नए कारपेट की एक अलग ही बात है, देखो चलने में कितना मजा आ रहा है नए नए कारपेट पे। तो नया कारपेट लगने के बाद कुछ इस तरह का हो गया और अब हम यहाँ कर रहे हैं थोड़ी पूजा। अरे लाइन में खड़े हो गए, सच में सारे लाइन में खड़े हो गए पूजा। कारपेट का टुकड़ा है और ये फ्लोर है ना बहुत ठंडा है, तो इसलिए कारपेट लेके आए जो बचा हुआ है। जय पार्वती पिता महादेव पार्वती पार्वती पिता। ये भाई नई गाड़ी ली गई है, ये भाई ने यहाँ पे ली है तो उसकी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देख रहे हैं हम। डिफेंडर ली है राकेश भाई, ऊंची तो बहुत है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ट्रक में बैठे हैं। हम यहाँ गाड़ी के मजे लेके आए और यहाँ पे पार्टी हो रही है। पार्टी गर्वित क्या खाया जा रहा है? पनीर की सब्जी। आप क्या खा रहे हो अगस्त? ओ वाओ बोट। ओके ओके सोनिया नई डिफेंडर कैसी लग रही है आपको चलाने में? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है इस गाड़ी चलाने में? अच्छा ले ली खड़ी है, अब तो ये चला रही है सोनिया। इस लड़के को वापस घर नहीं आना, देख लो कह रहा है मुझे बाहर घूमना है। बाहर क्यों घूमना है? क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है? क्योंकि इसको वापस बाहर जाना, इसको घर में नहीं आना। तो वापिस घर पे पहुंच चुके हैं हम और सच में बहुत मजा आया भाई, तो काफी लोगों से मिले। हम तो गए थे हमें अभिजीत के साथ मिलके वो पूजा वूजा करनी थोड़ी सी, क्योंकि वो जो घर हमने लिया है वो अभिजीत के साथ मिलके लिया है तो उसके, लेकिन फिर वो और भी उनके वहाँ पे जो गेस्ट वगैरह आए थे
तो उनके साथ भी मिले, फिर वो भी साथ हमारे पूजा वूजा करने के लिए गए, तो अच्छा लगा ओवरऑल। इट वॉज अ गुड नाइट।